हाय गाइस, दिस विक्रम और आज हम स्टार्ट करेंगे टेंस। और टेंस में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक प्रेजेंट टेंस। और यदि आपने लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लास्ट वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें कि हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस व फ्यूचर टेंस के ओवरव्यू के बारे में पढ़ा था। और यदि आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन जाके वीडियो लेक्चर देखें, जिससे कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, दिस इज़ द पेनेशिया ऑफ लर्निंग इंग्लिश। अगर आपको अपनी इंग्लिश को परफेक्ट करना है और परफेक्ट रूप से इसे सीखना है तो आपको प्रेजेंट टेंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, प्रेजेंट सिंपल टेंस विथ मोशन और विदाउट मोशन। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थात प्रेजेंट सिंपल टेंस के विथ मोशन के बारे में। तो देखें यहाँ पर ध्यान से और समझना स्टार्ट करें आप। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में हम कहते हैं वर्तमान काल। क्या कहते हैं इसे हिंदी में? वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस को जैसा कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि इसे हमने फोर भागों में डिवाइड किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कह सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कह सकते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि हम सीखने जा रहे हैं लाइक लैंग्वेज। और लैंग्वेज सीखने के लिए हमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये मालूम होनी चाहिए कि हमें उसके विथ मोशन और विदाउट मोशन के बारे में परफेक्टली पता होना चाहिए, तभी जाके हम एक लैंग्वेज को परफेक्ट रूप से सीख पाएंगे। तो हमने इसे डिवाइड किया दो भागों में। फर्स्ट है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस विथ मोशन। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि विथ मोशन का मतलब होता है कि ऐसे वाक्य जो कि प्रेजेंट में हो और जिसमें क्रिया हो, उस प्रकार के वाक्य बनते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस विथ मोशन से। तो अभी हम इसको ब्रीफली पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले इसके हम जान लेते हैं कि इसका सेकेंड पार्ट कौन सा। सेकेंड पार्ट है प्रेजेंट सिंपल टेंस विदाउट मोशन। व्हाट इज द मीन ऑफ विदाउट मोशन? विदाउट मोशन का मतलब होता है कि जिसमें क्रिया नहीं होती है, अर्थात जिन वाक्यों में क्रिया नहीं होती है उसे हम कहते हैं विदाउट मोशन। तो हम इसे ब्रीफली पढ़ेंगे अभी और जानेंगे कि विथ मोशन क्या होता है और विदाउट मोशन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा फर्स्ट टॉपिक विथ मोशन। तो समझे आप ध्यान से यहाँ से कि हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस विथ मोशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आपका फर्स्ट टॉपिक का नंबर ए पार्ट, कौन सा? प्रेजेंट सिंपल टेंस विथ मोशन। विथ मोशन का मतलब होता है सिंपल से लैंग्वेज में जिसमें क्रिया होती है, अर्थात कोई भी कार्य क्रिया जो हम वर्तमान में करते हैं, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये तो ठीक है, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि समानजनक मात्रा ओ, इस प्रकार के वाक्य भी प्रेजेंट सिंपल टेंस विथ मोशन के तहत बोले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, वह क्रिकेट खेलता है, वह कॉलेज जाता है, वह गाना गाता है। तो इस प्रकार के वाक्यों के अंत में क्या आया? ता है। और कभी अगर इस प्रकार के सेंटेंस बोले जाएँ कि तुम जाओ, तुम खाओ, तुम पियो, तुम रहो, तुम खेलो, तुम पढ़ो, तो इस प्रकार के वाक्य भी मोस्ट ऑफ केसेस में प्रेजेंट सिंपल टेंस विथ मोशन के तहत बोले जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मूले की, तो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या आती है आपकी मेन वर्ब। क्या यूज़ करते हैं हम? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हम यूज़ करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता,
मेन वर्ब को हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया एंड ऑब्जेक्ट को कहते हैं कारक। कर्ता, क्रिया एंड कारक, और जो क्रिया आएगी वो कौन सी आएगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल ये याद रखें कि आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। एस या ई एस कहाँ पर ऐड किया जाता है वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन आपका जो मेन फॉर्मूला है प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन का, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका कर्ता, ये मुख्य क्रिया और ये कारक। और इसकी पहचान सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको पहचान पता नहीं होगी तो आप हिंदी से इंग्लिश सीखने में आपको आसानी नहीं हो पाएगी। अगर आपको आसान तरीके से इंग्लिश सीखनी है तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको इस हिंदी को माइंड में रखना है। जितना आप इस हिंदी को माइंड में रखेंगे उतना ही आपका जो इंग्लिश का जो पार्ट है वो परफेक्ट होता चला जाएगा। रीज़न ये है कि आपकी जो हिंदी है वो परफेक्ट है, और हिंदी से इंग्लिश सीखोगे टाइम ज़रूर लगेगा और लेकिन जो सीखोगे वो आप परफेक्ट सीखोगे। तो याद रखें जब भी पहचान की बात हो, पहचान क्या होती है इसकी वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है तथा समानजनक मात्रा ओ। सो फॉर एग्जांपल आप कहते हो तुम जाओ, तुम खाओ, तुम पियो, तुम रहो, तुम खेलो, यू सिट, यू गो, यू प्ले, यू रन, इस प्रकार के वाक्य भी किससे बनते हैं? आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस विथ मोशन के तहत बनाए जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस विथ मोशन में सिंगुलर और फॉर प्लूरल। और लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको एक लैंग्वेज सीखनी है, लैंग्वेज सीखने के लिए आपको ज़रूरी चीज़ ये मालूम होनी चाहिए कि सेंटेंस चार तरीके से फ्रेम किए जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरनेगेटिव, यानी सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक एंड प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो स्टार्ट करते हैं हम, समझे यहाँ पर कि जब इसकी पहचान आएगी क्या कि वाक्यगत में ता है, ती है, ते हैं तथा समानजनक मात्रा ओ, तो इस प्रकार के वाक्य किससे बनते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस विथ मोशन के तहत बनाए जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस विथ मोशन में कौन सा पार्ट सिंगुलर होता है और कौन सा पार्ट प्लूरल होता है, कहाँ डू यूज़ करें और कहाँ डज यूज़ करें। तो हम समझते हैं इसी चीज़ को, तो यहाँ समझे ध्यान से आप। तो पहले जो विथ मोशन हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस विथ मोशन फॉर सिंगुलर, कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं और कहाँ पर हमें कौन सा पार्ट यूज करना होगा। तो हम पढ़ते हैं पहले सिंगुलर के लिए, फॉर सिंगुलर, जिसे कि हम कहते हैं एक वचन के लिए। जब बात करें एक वचन की तो एक वचन सब्जेक्ट कौन से होते हैं तो जान लेते हैं। पहले हमने बात की थी नाउन और प्रोनाउन के वीडियो लेक्चर्स में कौन से सिंगुलर पार्ट होते हैं, कौन से प्लूरल पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम वापस समझ लेते हैं कि जब भी आपके सेंटेंस में ही आए, सी आए, इट आए या फिर सिंगुलर नाउन, तब हमेशा आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड करना है प्लस ऑब्जेक्ट। तो याद क्या रखना है कि जब भी आपके सेंटेंस में ही आए, ही मतलब यूज़ करते हैं मस्कुलिन अर्थात पुल्लिंग के लिए, सी ये यूज़ करते हैं फेमिनिन अर्थात स्त्रीलिंग के लिए, इट ये वस्तुओं के लिए भी यूज़ होता है, जानवरों के लिए या फिर इंसानों के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सिंगुलर नाउन अर्थात एक वचन संज्ञा, जब भी आए तब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस ऐड करते हैं। ये कन्फ्यूजन भी आपका दूर हो जाएगा कि कहाँ हम एस ऐड करें और कहाँ ई एस ऐड करें। उसके बाद आपको क्या यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। सिंपल आपको चार ये सब्जेक्ट याद रखने, ही तब भी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस, सी हो तब भी एस आई एस और इट हो तब भी एस आई एस, या फिर सिंगुलर नाउन। नाउन का मतलब हो गया कोई भी एक सिंगुलर किसी व्यक्ति का नाम, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो यहाँ पर समझें कि किसके साथ आप एस ऐड करेंगे, किसके साथ ई एस ऐड करेंगे। तो याद रखें जिस वर्ड के पीछे ओ, सी एच, एस एच, एस एस, एक्स व जेड, ये वर्ड यदि किसी भी वर्ड के यानी किसी भी वर्ब के पीछे अगर इनमें से कोई वर्ड हो तो वहाँ पर आपको क्या ऐड करना है, वहाँ पर आपको ऐड करना है इसमें ई एस ऐड करना है, और बाकी रिमेनिंग वर्ड में क्या ऐड करना है, एस ऐड करना है। ये जो केस होता है ये 95% केसेस में फॉलो होता है
5% केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स गिवन होते हैं जहाँ पर ये वर्ड आने के बावजूद भी ये वर्ड फॉलो नहीं होते हैं, लेकिन आप याद रखें 95% केसेस अर्थात स्पोकन में आने वाले सभी सेंटेंसेस में आप इन वर्ड्स को फॉलो कर सकते हैं कि ये वर्ड जहाँ पर भी आए उसमें क्या ऐड करना, ES ऐड करना। एग्जाम्पल देख लें यहाँ पर आप, जैसे गो, अगर गो है इसके पीछे क्या लिखा आपने, ई ओ है, और ओ है तो आपको पता होना चाहिए अगर मैं यहाँ पर बोलूँ वह कॉलेज जाता है क्या बनेगा, ही गोज टू कॉलेज, तो यहाँ पर गो है तो आपको ये याद रखना है कि बोलते वक्त तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब आप लिखोगे या रिटर्न करोगे तब आपको प्रॉब्लम आएगी कहाँ एस लगाएं कहाँ ई एस लगाएं। तो इसके पीछे क्या आपने क्या देखना है यहाँ पर, इसके पीछे ओ, तो क्या ऐड करोगे यहाँ पर, ई एस, क्या बनेगा, गोज। नेक्स्ट देखें वॉच, डब्ल्यू ए टी सी एच, क्या इसके पीछे सी एच, जैसे इसके पीछे सी एच, जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पर कि वह टीवी देखता है तो क्या बनेगा, ही वॉचेस ए टीवी, तो यहाँ पर देखें यहाँ पर तो वॉचेस में क्या ऐड करोगे आप, ई एस ऐड करोगे। नेक्स्ट आपका है वॉस, डब्ल्यू एस एच, क्या पीछे एस एच, क्या ऐड करोगे इसमें, ई एस, वॉसेस। नेक्स्ट देखें क्लास, क्लास देखा होगा आपने कई बार क्लासेस, तो क्या होती है इसकी स्पेलिंग, क्लासेस, जैसे लिखा आपने मिक्स, क्या ऐड करोगे यहाँ पर मिक्स में, ई एस, मिक्सेस। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हो और इस तरह से सेंटेंसेस आपको हेल्प करेंगे। तो इन वर्ड्स को आपको याद रखना है कि जब भी वर्ड, या यदि ये वर्ड वर्ब के पीछे हो या वो किसी वर्ड के पीछे हो तो वहाँ पर आपको ई एस लगा के वहाँ पर इन चीज़ों को पढ़ा जाता है। और याद रखें कि वर्ब हमेशा अपने आप में प्लूरल होती है, उसे सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें एस या ई एस ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे नाउन, नाउन यहाँ पर लिखा मैंने पेन, तो पेन को प्लूरल बनाने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, उसमें एस ऐड करेंगे, पेन्स। लेकिन वर्ब का जस्ट इसका अपोजिट होता है, वर्ब हमेशा प्लूरल होती है, उसे सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं, एस या ई एस। तभी तो यहाँ पर जब ये सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है तो हमने यहाँ पर क्या ऐड किया, एस या ई एस। क्यों ऐड किया, क्योंकि ये जो वर्ड है, ये जो सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, तो वर्ब यहाँ पर हमेशा प्लूरल होती है, उसे सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं, हमेशा एस या ई एस। तो याद रखें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब भी आप वर्ब गिवन हो उसमें अगर आपने एस या ई एस ऐड कर दिया तो वो हमेशा क्या मानी जाती है, सिंगुलर मानी जाती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो इसके पार्ट्स हैं कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंटरोगेटिव। लेकिन हमने बात की थी कि केवल पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव को सीख लेने से आप एक लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे। तो हमें एक लैंग्वेज सीखनी है, और लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें पहली चीज़ ये मालूम रखनी है कि विथ मोशन और विदाउट मोशन। तो स्टार्ट करते हैं हम पॉजिटिव, और पॉजिटिव में कैसे सेंटेंस को हम एक लैंग्वेज की तरह सीखेंगे, तो देखें यहाँ पर ध्यान से आप। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव। तो ध्यान से समझें आप यहाँ पर, तो बात करते हैं हम पॉजिटिव की, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मिलेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या क्या होगा, जस्ट अभी हमने पढ़ा क्या क्या होगा सब्जेक्ट में आपका, ही, सी, इट, वे, इसको समझेंगे आप सिंगुलर नाउन। तो ये आपका एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट में क्या होगा, ही, सी, इट, वे, सिंगुलर नाउन। तब आपको क्या ऐड करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड करना है, प्लस ऑब्जेक्ट, क्या ऐड करना है, ऑब्जेक्ट। तो एक एग्जाम्पल लेके भी चलते हैं साथ साथ में, ताकि आपको एग्जाम्पल भी क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल है जैसे वह क्रिकेट खेलता है, तो वाक्य के अंत में क्या है, उसके आपने ता है, और दूसरी बात यहां पर जो सब्जेक्ट लिया है वो क्या आपका सिंगुलर है। तो इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा इंग्लिश में, ही प्ले, तो बोलिए प्ले होगा या प्लेज होगा, तो यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, प्लेस। और प्लेस में भी एस लगाएं या ई एस लगाएं, तो याद रखें वो वर्ड ओ सी एच एस एच एस एस एक्स, इन वर्ड में क्या लगाते हैं, ई एस। तो यहाँ पर है क्या वो वर्ड पीछे, नहीं है, तो क्या ऐड करेंगे इसमें, सिंपल सा एस, ही प्लेस क्रिकेट, क्या ऐड करेंगे, ही प्लेस क्रिकेट। तो याद रखें, अब बात आती है कि हमने जैसे बात की यहाँ पर सेंटेंस में कि हम एक लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं, तो केवल पॉजिटिव के इस सेंटेंस को सीख लेने से तो हम लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे। तो याद रखें
कि जब भी इस प्रकार के वाक्य को दोहराते हुए या फिर अपनी कही गई बात पर यकीन दिलाते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी लैंग्वेज के सेंटेंस की और लैंग्वेज के इस फॉर्मूले की। तो आप समझे इस फॉर्मूले को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई फॉरेनर्स इस तरह के लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो आज आप समझने जा रहे हैं ऐसी लैंग्वेज के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लाइफ के लिए। तो बात करते हैं वह क्रिकेट खेलता है इस सेंटेंस में, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि दिनेश नाम का कोई लड़का है, मैंने कहा दिनेश नाम के लड़के को कि रवि क्रिकेट खेलता है। अब जो दिनेश नाम का लड़का है वो मेरा भी फ्रेंड है और रवि का भी फ्रेंड है और रवि मेरा भी फ्रेंड है, तो मैंने बोला रवि क्रिकेट खेलता है, तो उस दिनेश ने बोला कि रवि क्रिकेट नहीं खेलता। अर्थात उसने क्या कहा, उसने मेरी बात को झूठा साबित किया, अर्थात उसने उस वर्ब को नकारा। तो इस प्रकार के वाक्यों में अपनी कही गई बात पर यकीन दिलाना है। फॉर एग्जांपल आपने बोला रवि क्रिकेट खेलता है, दिनेश ने मना कर दिया, दिनेश ने क्या कहा, रवि क्रिकेट नहीं खेलता है। तो आपको अपनी बात अगर साबित करनी है तो क्या कहोगे आप, खेलता है क्रिकेट दिनेश। अर्थात आपको अपनी जब भी बात साबित करनी है, हिंदी में आप सेंटेंस को रिपीट करके बोलते हो या फिर आप ऐसे कहते हो दिनेश क्रिकेट खेलता तो है या फिर खेलता है क्रिकेट दिनेश। तो इस प्रकार के वाक्यों को जब आपको रिपीट करके बोलना पड़े तब आपको ज़रूरत होती है स्ट्रेस की। किसकी ज़रूरत होती है, स्ट्रेस, जिससे कि हम कह सकते हैं एम्फेसाइज करना। अर्थात जब भी हमें सेंटेंस को एम्फेसाइज करना हो या स्ट्रेस डालते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े तब हमें ज़रूरत होती है डू या डज के स्ट्रेस की। तो याद रखें कि ही सी इट सिंगुलर नाउन, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम डज शब्द से स्ट्रेस लगाएंगे, किस शब्द से, डज शब्द से। तो पॉजिटिव का ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला देखें यहाँ पर कि जब भी आपको स्ट्रेस लगाते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े किसके साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ या सिंगुलर नाउन, एस डॉट एन का मतलब होता है सिंगुलर नाउन, तब यहाँ पर आपको डज शब्द का क्या लगाना है, स्ट्रेस लगाना है। किस शब्द का, डज शब्द का। क्यों, क्योंकि मैंने अगर बोला सेंटेंस कि वह क्रिकेट खेलता है, अगले बंदे ने मना कर दिया कि वह क्रिकेट नहीं खेलता है, मुझे अपनी बात साबित करनी है तो कैसे बोलूँगा, खेलता है क्रिकेट वह, या फिर इसे हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं वह क्रिकेट खेलता तो है। तो इस तरह के वाक्य को जब भी बोलने की ज़रूरत पड़े तब आप इसे इंग्लिश में कैसे फ्रेम करेंगे, तो इसका फॉर्मूला देखें यहाँ पर, डज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बताएं यहाँ पर मुझे एस या ई एस ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप देखें ध्यान से यहाँ पर कि डज में ऑलरेडी डू वर्ड आया, उसमें ऑलरेडी ई एस वर्ड ऐड है, तो ई एस यहाँ पर होने की वजह से यहाँ पर जो एम वी फर्स्ट में जो एस या ई एस आएगा उसे हमें रिमूव करना होगा। तो यहाँ से हमने एस या ई एस को रिमूव कर दिया, क्यों, क्योंकि ये जो वर्ड था आपका, क्या वर्ड था, डू, तो डू ने डू के पीछे ओ था, तो इसका ई एस यहाँ पर ले लें। आपको सिंपल सा ये भी याद रखना है कि जब भी डज आए, क्या है आपका, जब भी डज आए तो डज के तुरंत बाद हमेशा कौन सी क्रिया का यूज़ करेंगे, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो क्लियर है यहाँ पर आपको ये डज शब्द यहाँ पर क्यों यूज़ किया, एक स्ट्रेस के लिए। आप डायरेक्टली कभी नहीं बोलेंगे, जब भी अगला बंदा अगर आपके सेंटेंस को नकार दे, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ यहाँ पर कि सिमरन चाय पीती है, तो अगले बंदे ने कहा कि सिमरन चाय नहीं पीती है, अर्थात उसने मना कर दिया, तो मुझे अपनी बात साबित करने दी, क्या बोलूँगा, पीती है चाय सिमरन, अर्थात सिमरन चाय पीती तो है, तो यानी मुझे अपनी बात साबित करनी है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा इंग्लिश में, सिमरन डज टेक टी। तो इसी एग्जांपल को लेकर देखते हैं, अभी ने ये सेंटेंस लिया, अभी वह क्रिकेट खेलता है, अब किसी बंदे ने मना कर दिया वह क्रिकेट नहीं खेलता, मुझे अपनी बात साबित करनी है, तो सेंटेंस को रिवर्स कर दो, कैसे, खेलता है क्रिकेट वह। तो इस तरह से जब जैसे आप हिंदी में रिपीट करके बोलते हैं वैसे ही इंग्लिश में भी फॉर्मूले हैं कि आपको सेंटेंस को रिपीट करके बोलते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े तब आपको इस तरह के फॉर्मूले का यूज़ करना है। क्या, याद रखें ही सी ईट वे सिंगल नेम के साथ डज शब्द का स्ट्रेस आएगा, उसके तुरंत बाद हमेशा याद रखें, यहाँ तो ऐसी ऐसा है क्योंकि इसमें डज शब्द नहीं था, लेकिन यहाँ डज स्ट्रेस होने के कारण यहाँ से ऐसी ऐसे को हमने रिमूव कर दिया। इंग्लिश का सेंटेंस कैसे बनेगा इसका देखें, ही डज प्ले, तो बोले प्ले में एस रहेगा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि डज में यस शामिल है, तो ही डज प्ले क्रिकेट। तो यहां ध्यान दे, जो डज वर्ड है ये यहां पर क्या है, स्ट्रेस है, ही यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है, प्ले यहां पर क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड क्रिकेट यहां पर क्या है, ये यहां पर ऑब्जेक्ट है। क्लियर,
तो आई थिंक गाइस यहाँ तक आपको क्लियर है कि जब भी अगर आपको दोबारा समझे इस चीज़ को, जब भी आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद अर्थात सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर आपको स्ट्रेस लगाने की ज़रूरत पड़े तो ही सी ईट वे सिंगल नेम के साथ आपको डस शब्द का स्ट्रेस लगाना है। वो कब? जब आपने किसी को बोला कि वह क्रिकेट खेलता है, उसने मना कर दिया वह क्रिकेट नहीं खेलता है, और आपको अपनी बात साबित करनी है कि खेलता है क्रिकेट वह, तो क्या बनेगा? ही डस प्ले क्रिकेट। एक एग्जाम्पल वो लेके देखें आप यहाँ पर, मैंने बोला राम कॉलेज जाता है, तो अगले बंदे ने मना कर दिया कि राम कॉलेज नहीं जाता है, तो मुझे अपनी बात साबित करनी है कि जाता है कॉलेज राम, तो सेंटेंस क्या बनेगा? राम डज गो टू कॉलेज। तो सिंपल है कि जब भी आपको ही सी इट सिंगल नेम के वाक्यों को यदि दोहराते हुए रिपीट करते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर आप किस शब्द का स्ट्रेस लगाएंगे? डज शब्द का स्ट्रेस लगाएंगे। तो अब हम बात करेंगे नंबर थर्ड, तो आप इन फॉर्मूलों को भी नोट करते हुए जाना। जो फॉर्मूला लिखा सब्जेक्ट प्लस मैन की फर्स्ट फॉर्म एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट, इसका सेकंड फॉर्मूला क्या बना? जब आपको अपनी कही गई बात पर यकीन दिलाना हो तो ही सी इट सिंगल नेम के साथ डस एम वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, जहाँ डस आएगा वहाँ पर आपको कौन सी फॉर्म का यूज़ करना है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। अब हम समझते हैं इसका थर्ड फॉर्मूला। आप ये नहीं समझें कि केवल पॉजिटिव वाक्य से फिनिश हो जाएगा। पॉजिटिव वाक्यों को हम चार तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, किसमें? प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन में। पहला हमने सीखा सिंपल जो आप आज तक अभी तक फ्रेम करते आ रहे हैं वो। सेकंड जो अभी आपको मैंने बताया है, क्या बताया है कि डस शब्द यहाँ पर क्या है? स्ट्रेस है। किसके लिए? ही सीट वे सिंगल नेम के लिए। अभी हम जानेंगे कि जब भी हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस लगाते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े तो हम किस तरह से सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। तो देखें यहाँ पर, जब भी आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस लगाते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े तो ये तो हो गया आपका रूल नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए पॉजिटिव का ही, ये भी पॉजिटिव का ही रूल है, पॉजिटिव का रूल नंबर थर्ड। तो यहाँ समझे कि जब भी आपको सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगाते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े या ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगाते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर हम ओनली शब्द से स्ट्रेस लगाते हैं। जैसे एक बार आप फॉर्मूला देखें पहले, जब भी आपका ही हो, सी हो, इट हो या फिर सिंगुलर नाउन, तब आपको क्या लगाना है? ओनली शब्द से यहाँ पर क्या लगाना है? स्ट्रेस लगाना है। उसके बाद आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखें यहाँ पर सेंटेंस में ही सी इट सिंगल नेम ओनली, कहीं पर ई एस का जिक्र हुआ क्या यहाँ पर? नहीं हुआ। अर्थात मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको ऐसे ई एस एड करना होगा प्लस आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये ओनली शब्द का स्ट्रेस हमने क्यों लगाया है? तो पहले आप इस चीज़ को समझें कि मैंने यहाँ पर सेंटेंस बोला कि सिमरन चाय पीती है। क्या बोला मैंने? सिमरन चाय पीती है। तो किसी बंदे ने बोला कि सिमरन चाय नहीं पीती है, कोई उसकी फ्रेंड है मान लो कविता, तो उसने बोला कविता चाय पीती है, सिमरन चाय नहीं पीती है। बट मैंने सिमरन को चाय पीते हुए देखा है, अर्थात मैं क्या कहूँगा अपनी बात को साबित करने के लिए? मैं सेंटेंस को इस तरह से हिंदी में बोलूँगा, सिमरन ही चाय पीती है। क्या बोला मैंने? सिमरन ही। तो ओनली यहाँ पर कैसे वर्ड कैसे अर्थ निकाल रहा है? ही का अर्थ निकाल रहा है, ही का अर्थ तो निकाल रहा है, लेकिन किस रूप में काम कर रहा है? एक स्ट्रेस के रूप में काम कर रहा है, और स्ट्रेस के रूप में किसके लिए काम कर रहा है? सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए काम कर रहा है? एक सब्जेक्ट के लिए स्ट्रेस के रूप में काम कर रहा है। तो सेंटेंस क्या बना? सिमरन ही चाय पीती है। और ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मैंने बोला यहाँ पर सिमरन चाय पीती है, तो किसी बंदे ने बोला सिमरन चाय नहीं पीती है, कविता चाय पीती है। मुझे अपनी बात साबित करनी, मैंने क्या बोला? सिमरन ही चाय पीती है। तो सेंटेंस देखें यहाँ पर, सिमरन ही, तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट के तुरंत बाद किसका स्ट्रेस लगाया? ओनली का। तो सेंटेंस क्या बनेगा यहाँ पर? सिमरन ओनली पीती है। पीने के लिए हम ड्रिंक भी यूज कर सकते हैं, टेक भी यूज कर सकते हो, हायर लेवल इंग्लिश में हैज और हैव दोनों यूज कर सकते हैं, वो बढ़ेंगे हम आगे। तो यहाँ देखिए हमने क्या यूज किया? टेक। तो यहाँ देखिए जो टेक की स्पेलिंग होती है क्या होती है? टी ए के ई। तो क्या ऐड करेंगे इसमें? एस या ई एस? तो क्या ऐड करेंगे इसमें? एस ऐड करेंगे। तो सिमरन ओनली टेक्स टी। तो ओनली यहाँ पर क्यों यूज़ किया हमने? स्ट्रेस के लिए। क्यों? क्योंकि जब भी हमें सब्जेक्ट के ऊपर यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस विथ मोशन के वाक्य
क्योंकि सिंगुलर हैं, उनके सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगाते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर हम ओनली शब्द से स्ट्रेस लगा सकते हैं। दोबारा समझें इसको, जब भी आपका ही सी इट सिंगुलर नाउन हो तब यहाँ पर ओनली शब्द का स्ट्रेस लगाते हैं। कब लगाते हैं? जब आपको सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगाते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े या फिर अपनी कही गई बात को सब्जेक्ट के ऊपर जोर दबाव डाल के बोलना पड़े। इसे हम स्ट्रेस भी कहते हैं या एम्फेसाइज करना भी बोलते हैं। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप इस चीज़ को समझ गए एक बार तो आप एक लैंग्वेज सीख जाएंगे और लैंग्वेज सीख गए तो आपके लिए फ्यूचर में इंग्लिश इतनी ईजी हो जाएगी कि आप सोचेंगे कि ये मेरे लिए बहुत ही ईजी हुआ। हाउ इट्स पॉसिबल? ये पॉसिबल तब होगा जब आप इन चीज़ों को ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर एम ई फर्स्ट में क्या ऐड करेंगे, एस ए आई एस, क्योंकि यहाँ पर डज या किसी एस ए आई एस की जिक्र नहीं हुआ तो यहाँ पर क्या ऐड किया हमने, एस ए आई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिमरन चाय पीती है, अगले बंदे ने मना कर दिया, सिमरन ने कविता चाय पीती, यानी उसने सब्जेक्ट को रिमूव करके दूसरा सब्जेक्ट डाल दिया हो। तब आपको अपनी कही गई बात पर यकीन दिलाना हो तब यहाँ पर आप ही शब्द से क्या लगा सकते हो, स्ट्रेस लगा सकते हो। दूसरा एग्जांपल समझे, जैसे मैंने बोला सेंटेंस यहाँ पर कि रवि इंग्लिश सीखता है, क्या बोला मैंने, रवि इंग्लिश सीखता है, तो अगले बंदे ने बोला रवि इंग्लिश नहीं सीखता है, श्याम इंग्लिश सीखता है। तो मुझे अपनी बात साबित करनी है, मैंने रवि को देखा है इंग्लिश सीखते हुए, तो मैं क्या बोलूँगा वापस कि रवि ही इंग्लिश सीखता है। सेंटेंस क्या बनेगा, रवि ओनली लर्न्स इंग्लिश। तो सिंपल है कि जब भी आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस या उसे एम्फेसाइज करके बोलने की ज़रूरत पड़े तब वहाँ पर आप ओनली शब्द से क्या लगा सकते हैं, स्ट्रेस लगा सकते हैं। अब देखें इसी पॉजिटिव का फोर्थ नंबर फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में क्या होगा कि हम ऑब्जेक्ट के बाद ओनली का स्ट्रेस लगाएंगे और क्यों लगाने की जरूरत होती है। तो पहले फॉर्मूला देखें यहाँ पर, ये भी पॉजिटिव का ही फॉर्मूला है नंबर फोर। तो देखें यहाँ पर, जब भी आपका सब्जेक्ट क्या हो, ही सी इट सिंगुलर नाउन, तब आपको क्या ऐड करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज या किसी एस ई एस की बात हुई कि नहीं हुई है, ही सी इट सिंगुलर नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या ऐड करेंगे यहाँ पर, एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आएगा, ओनली शब्द का स्ट्रेस। ये ओनली यहाँ पर क्या है, स्ट्रेस के रूप में काम कर रहा है। ज़रूरत क्यों होती है, तो पहले इस चीज़ को आप समझे ध्यान से, ज़रूरत क्यों होती है कि मैंने बोला यहाँ पर सिमरन चाय पीती है, उस बंदे ने बोला सिमरन चाय नहीं पीती है, लेकिन इस बार उसने क्या बोला, सिमरन चाय नहीं पीती, सिमरन कॉफ़ी पीती, यानी जो टी था वो क्या था, आपका ऑब्जेक्ट था। सेंटेंस देखें यहाँ पर, सिमरन चाय ही पीती है। सेंटेंस देखें यहाँ पर ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, सिमरन टेक्स टी ओनली। तो ये आपका सिमरन क्या है, सब्जेक्ट, टेक्स यहाँ पर क्या है, मैनुअल की फर्स्ट फॉर्म, इसमें एस ऐड किया आपने, टी यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट, और ओनली यहाँ पर क्या है, स्ट्रेस अर्थात एम्फेसाइज। तो क्लियर करें इस चीज को कि जब भी आपको ओनली शब्द का स्ट्रेस लगाना हो किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो कब लगता है, समझे। यहाँ पर मैंने बोला सिमरन चाय पीती है, उसने बोला सिमरन चाय नहीं पीती, सिमरन कॉफ़ी पीती है, अर्थात उसकी कही गई बात को मुझे वापस अपनी कही गई बात से साबित करना है तो फिर मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, सिमरन चाय ही पीती है। तो क्या बनेगा, सिमरन टेक्स टी ओनली। तो ओनली यहाँ पर क्या है, ओनली यहाँ पर आपका स्ट्रेस है। एक और एग्जांपल से समझे, यहाँ पर मैंने बोला सेंटेंस यहाँ पर कि दिनेश क्रिकेट खेलता है, तो उसने बोला कि दिनेश क्रिकेट नहीं खेलता है, दिनेश फुटबॉल खेलता है, बट मैंने तो उसे क्रिकेट खेलते हुए देखा है, अर्थात मुझे अपनी बात साबित करनी है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, दिनेश क्रिकेट ही खेलता है। सेंटेंस क्या बनेगा यहाँ पर इंग्लिश में, दिनेश प्लेज क्रिकेट ओनली। तो इस तरह से हम सेंटेंस में ओनली शब्द का स्ट्रेस सब्जेक्ट के तुरंत बाद और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आवश्यकतानुसार लगा सकते हैं। रीजन बिहाइंड इट, वी आर लर्निंग लैंग्वेज एंड इन लैंग्वेज वी नीड टू लर्न अबाउट ऑल द थिंग्स। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि हमें एक लैंग्वेज को परफेक्ट सीखना है, और अगर आपको लैंग्वेज को परफेक्ट सीखना है तो आपको इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस सारे समझने होंगे, तभी जाके आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो अभी तक आपने पॉजिटिव के चार सेंटेंस लिखे, उन चारों सेंटेंसेस को हम एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। तो सेंटेंस देखें यहाँ पर, सेंटेंस मैंने बोला सिमरन चाय पीती है, तो
अगले बंदे ने बोला सिमरन चाय नहीं पीती। सिंपल सा क्या कहा उसने, सिमरन चाय नहीं पीती। मुझे अपनी बात साबित करनी है, अर्थात मुझे वर्ब के ऊपर स्ट्रेस लगाना है। क्या बोलना मुझे, पीती है चाय सिमरन। सेंटेंस क्या बनेगा, सिमरन डज टेक टी। तो डज यहाँ पर क्या है, स्ट्रेस है, अर्थात मैंने एम्फेसाइज किया किसके ऊपर, वर्ब के ऊपर। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मैंने बोला सिमरन चाय पीती है, तो अगले बंदे ने बोला सिमरन चाय नहीं पीती है, कविता चाय पीती है। मुझे अपनी बात साबित करनी कि सिमरन ही चाय पीती है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, सिमरन ओनली टेक्स टी। नेक्स्ट देखें, नंबर फोर्थ, मैंने बोला सिमरन चाय पीती है, उसने बोला सिमरन चाय नहीं पीती है, सिमरन कॉफ़ी पीती है। मुझे अपनी बात साबित करनी है, क्या बनेगा सेंटेंस, सिमरन चाय ही पीती है। सेंटेंस क्या बनेगा, सिमरन टेक्स टी ओनली। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। दिस इज़ द वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लैंग्वेज। यही एक ऐसा पार्ट है जहाँ से कि आप अपनी लैंग्वेज को बूस्टअप कर सकते हैं, और ये एक ऐसा तरीका है जहाँ से कि कोई भी बंदा जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हो, चाहे उसकी इंग्लिश कितनी भी वीक क्यों नहीं हो, अगर वो इस तरह से सेंटेंसेस को फ्रेम करके बोलने की प्रैक्टिस स्टार्ट करे, तो डेफिनेटली आपका जो स्पोकन का पार्ट है वो बेटर हो जाएगा। तो अब देखें कि इसका नेगेटिव पार्ट कैसे बनेगा। तो ये पॉजिटिव के चार पार्ट थे। फॉर्मूला होता है फर्स्ट पार्ट का, पॉजिटिव का फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस ए एस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, ही सी इट विद सिंगुलर नाउन। इसका सेकेंड पार्ट क्या होगा पॉजिटिव का, ही सी इट सिंगुलर नाउन प्लस डज। ये क्या यहाँ पर स्ट्रेस है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जहाँ डज आए वहाँ पर कौन सी फॉर्म का यूज करोगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर देखें थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या होगा इसका, सब्जेक्ट प्लस, अर्थात ही सी इट सिंगुलर नाउन प्लस ओनली, और ओनली और सब्जेक्ट, तब उसके तुरंत बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड करेंगे हम, एस ए एस प्लस ऑब्जेक्ट। फोर्थ पार्ट देखें, सब्जेक्ट अर्थात ही सी इट सिंगुलर नाउन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस ए एस प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या यूज करेंगे, ओनली शब्द का स्पेस। तो इस तरह से हमने सीखा आज कि चार सेंटेंस पॉजिटिव के हम चार सेंटेंस कैसे फ्रेम करते हैं और कैसे हम एक लैंग्वेज का पार्ट बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो देखें यहाँ पर समझे ध्यान से, यहाँ पर अब बात कर रहे हैं हम नेगेटिव की। नेगेटिव इसके लिए फॉर सिंगुलर, जब भी आपका ही हो, सी हो, इट हो, या फिर सिंगुलर नाउन हो, तब आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, डज नॉट का यूज़ करना है। क्या याद रखना है, डज नॉट का यूज़ करना है। तो सिंपल है कि आप इसे प्रैक्टिस करें। कैसे प्रैक्टिस करें, ही डज नॉट, सी डज नॉट, इट डज नॉट, राम डज नॉट, सीता डज नॉट, इस तरह से आप प्रैक्टिस करें, ताकि आपके एक बार यदि ये सेंटेंस प्रैक्टिस में आ गए तो आपकी जो लैंग्वेज है वो परफेक्ट हो जाएगी। तो डज में क्या शामिल है, ये शामिल, तो याद रखें जहाँ भी डज आए वहाँ पर कौन सी फॉर्म का यूज़ करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अर्थात यहाँ से एस ए एस का यूज़ अब आपको नहीं करना है। किसमें, नेगेटिव में, प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखें किससे, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सिमरन चाय नहीं पीती है, सिमरन चाय नहीं पीती है। सेंटेंस क्या बनेगा, सिमरन डज, सिमरन के, सिमरन यहां पर क्या एक सिंगुलर नाउन है, तो क्या यूज करेंगे, डज नॉट यूज करेंगे। क्या बना, सिमरन डज नॉट टेक। अब जो पहले टेक में एस आई एस लगा रहे थे वो यहां से रिमूव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर डज में यस शामिल है, सिमरन डज नॉट टेक टी। तो याद रखें सिमरन यहाँ पर क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर डज क्या है, जब भी डज के साथ नोट आए तो याद रखें ये स्ट्रेस नहीं है, ये क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब है। और फिर आपने क्या यूज़ किया, नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ई टी यहाँ पर क्या आपका ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखें आप, दिनेश क्रिकेट नहीं खेलता है, सेंटेंस क्या बनेगा, दिनेश डज नॉट प्ले क्रिकेट। सेंटेंस है कि वह इंग्लिश नहीं सीखता है, तो ही डज नॉट लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोलता है, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वह कॉलेज नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू कॉलेज, वह खाना नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट फूड, वह चाय नहीं पीता है, ही डज नॉट टेक टी। इस तरह से आप सेंटेंस को बोलने की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही स्पोकन आपका बेटर होता जाएगा। तो याद रखें इस चीज़ को कि स्पोकन को अगर आपको बेटर करना है तो इन सेंटेंसेस को साथ साथ में बोलने की प्रैक्टिस भी करनी है। कैसे,
फॉर एग्जाम्पल सुने ध्यान से, यहाँ पर सिमरन चाय पीती है, सिमरन टेक्स टी, पीती है चाय सिमरन, सिमरन डस टेक टी, सिमरन ही चाय पीती है, सिमरन ओनली टेक्स टी, सिमरन चाय ही पीती है, सिमरन टेक्स टी ओनली, सिमरन चाय नहीं पीती है, सिमरन डज नॉट टेक टी। जो हमने अभी तक पढ़ा था उन सेंटेंसेस के एग्जाम्पल मैंने विथ हिंदी विथ इंग्लिश बोले हैं। आप इसी सेंटेंस को बार बार प्रैक्टिस करें और नए वर्ड्स नई वोकैब लेके प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपकी वोकैब भी क्लियर होगी, साथ साथ में आपको लैंग्वेज सीखने में भी आसानी रहेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंटरोगेटिव। नेगेटिव वाक्यों में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लगता है, याद रखें। प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के नेगेटिव वाक्य में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लगेगा। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक मतलब होता है कि जब भी हमें प्रश्न करते हुए बोलने की जरूरत पड़े। तो यहां ध्यान दें, अभी इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव जिसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक। जब भी हमें प्रश्न करने की जरूरत पड़े, क्या करने की जरूरत पड़े, प्रश्न किसके साथ, ही सी इट वे सिंगुलर नाउन के साथ प्रश्न करने की जरूरत पड़े, तब हमेशा हेल्पिंग वर्ब को आगे लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डस प्लस क्या यूज करेंगे, ही सी इट सिंगुलर नाउन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या पढ़ा हमने, जहां डस आए वहां पर क्या यूज करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करेंगे प्लस आपका ऑब्जेक्ट। सिंपल है, लैंग्वेज है, आपको सीखना है और बेटर तरीके से सीखना है तो आपको याद रखना है किस तरह सेंटेंस को फ्रेम करें। और हमेशा याद रखें कि जब भी आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आपको प्रश्नवाचक मार्क अर्थात आपको यूज़ करना है। क्लियर है? तो डज ही सी इट सिंगुलर नाउन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी आपको प्रश्न करने की जरूरत पड़े, बंदा सिंगुलर हो और वाक्य के अंत में ता है ती है ते है आए, तब हमेशा डस से करोगे। जैसे मैंने बोला सेंटेंस क्या सिमरन चाय पीती है, सेंटेंस क्या बनेगा, डज सिमरन टेक टी। क्या रवि क्रिकेट खेलता है, डज रवि प्ले क्रिकेट। क्या वह कॉलेज जाता है, डज ही गो टू कॉलेज। देखा आपने कितना आसान है आपका ये प्रेजेंट टेंस सीखना, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज ऑफ रीजन बिहाइंड इट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, मोर प्रैक्टिस मोर गेन। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका जो लैंग्वेज का पार्ट है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा, और लैंग्वेज सीखने में जितनी आसानी होगी वो बहुत ही अच्छी रहेगी आपके फ्यूचर के लिए। बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट इंग्लिश इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। अगर आप इस चीज़ को सीख जाओगे, इफ़ यू हैव नॉलेज अबाउट इंग्लिश दैन इट मीन्स दैट यू हैव सेकेंड सॉल इन योर बॉडी। सो जस्ट कीप योर माइंड, इट्स दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। समझे आप, अब इसका एग्जाम्पल समझे, क्या सिमरन चाय पीती है, क्या सिमरन चाय पीती है, पीछे क्या आया, ता है ती है, सिमरन यहाँ पर क्या सिंगुलर है, और क्या वर्ड आपने आगे ऐड किया अर्थात सिंगुलर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के क्या क्या यूज़ करते हैं हम, डज यूज़ करते हैं। डज के बाद क्या लिखा आपने, डज सिमरन, फिर क्या आपकी फर्स्ट फॉर्म क्या आपकी टेक, फिर टी एंड क्वेश्चन मार्क। तो देखें यहाँ पर डज यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सिमरन यहाँ पर क्या है आपका सब्जेक्ट, एंड ये आपकी क्या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो याद रखें, क्या सिमरन चाय पीती है, डज सिमरन टेक टी। तो इस तरह के सेंटेंस जब भी आपको क्वेश्चन करते हुए बोलने की जरूरत पड़े तब आप इस सेंटेंस को इस तरह से फ्रेम कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लैंग्वेज का पार्ट इंटरोगेटिव में क्या है। जैसे हमने पॉजिटिव में सेंटेंस बनाए चार, उसी प्रकार इंटरोगेटिव में भी फोर सेंटेंस बनेंगे, और क्यों पढ़ना जरूरी समझे यहाँ पर। जैसे कि मैंने बोला क्या सिमरन चाय पीती है, तो मुझे अगर अपने कहे गए क्वेश्चन को अर्थात प्रश्न को भी अगर रिपीट करके बोलने की ज़रूरत पड़े तब मैं क्या करूँगा। तो याद रखें, जब भी आपके प्रश्न को आपको रिपीट करके बोलने की ज़रूरत पड़े तब आप सेम तरीका फॉलो करेंगे। क्या वर्ड तो आगे रहेगा रहे, क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, रिवर्स अर्थात उल्टा हो जाएगा। इस तरह से हम सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्यों में भी क्या लगा सकते हैं, डज शब्द का स्ट्रेस लगा सकते हैं। लेकिन याद रखें कि डज वाले वाक्यों में डज शब्द का स्ट्रेस कभी भी यूज़ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जैसे आपने डज आगे ऐड कर दिया है तो जहाँ यहाँ पर डज यूज़ करोगे उसमें से ES रिमूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्या है आपका डज वर्ड है। तो अभी आप देखें फॉर्मूला, देखें पहले आप ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये क्या इंट्रोगेटिव का आपका 6, क्योंकि 4 हमने किस में पढ़े,
पॉजिटिव में 4 सेंटेंस 4 रूल्स पढ़े थे, 5th रूल आपका नेगेटिव एंड 6th रूल आपका इंट्रोगेटिव का 6th रूल ही। अब बात कर रहे हैं हम रूल नंबर 7, तो अब हम बात करते हैं रूल नंबर 7 की। किसकी बात कर रहे हैं? रूल नंबर 7। रूल नंबर ये 7 ये है कि जब भी हमें प्रश्नवाचक वाक्यों के सब्जेक्ट पर, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्यों को दोहराते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े, तो हम वहाँ पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद किस शब्द का स्ट्रेस लगाएंगे? डू शब्द का। यहाँ पर फॉर्मूला देखें आप, पहले यूज़ करेंगे डस प्लस ही सी इट सिंगुलर नाउन प्लस डू। डू यहाँ पर क्या है? डू यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम नहीं कर रही है, यहाँ पर काम कर रही है स्ट्रेस का, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो जब भी आपको प्रश्नवाचक वाक्यों को भी दोहराते हुए, अर्थात जोर या दबाव डालते हुए या फिर एम्फेसाइज करते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े, तो डेफिनेटली आप वहाँ पर डू शब्द का यूज़ करके सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। तो याद रखें कि ही सी इट सिंगुलर नाउन के तुरंत बाद इंट्रोगेटिव वाक्यों में किस शब्द का स्ट्रेस आता है? डू शब्द का। कब? जब आपको सेंटेंस को रिपीट दोहराते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े। सेंटेंस जैसे एग्जांपल, क्या सिमरन चाय पीती है, तो इसी सेंटेंस को अगर हमें दोहराते हुए प्रश्न में अगर दोहराते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े, सेंटेंस क्या बनेगा? क्या पीती है चाय सिमरन? सेंटेंस क्या बनेगा? क्या पीती है चाय सिमरन? क्या बनेगा सेंटेंस? डस सिमरन डू टेक टी। तो इस तरह से जब भी हमें सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वाक्यों को दोहराते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े, तब हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा सकते हैं? डू शब्द से यहाँ पर स्ट्रेस लगा सकते हैं। डज यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। टेक क्या है? एम्बिफर्स। टी यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम सेंटेंस में स्ट्रेस लगा सकते हैं। और एग्जाम्पल समझे यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल है, क्या रवि इंग्लिश बोलता है? डज रवि स्पीक इंग्लिश? तो इस सेंटेंस को जब भी हमें रिपीट करके या फिर हमें दोहराते हुए बोलना पड़े, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? क्या बोलता है इंग्लिश रवि? सेंटेंस क्या बनेगा? डज रवि डू स्पीक इंग्लिश? तो इस तरह से हम सेंटेंस में डू शब्द का स्ट्रेस लगा के सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 8 व 9 में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम इंट्रोगेटिव वाक्यों में भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद व ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद ओनली शब्द का स्ट्रेस लगा सकते हैं। तो पहले पढ़ते हैं हम रूल नंबर 8, और रूल नंबर 8 में हम जानते हैं कि कैसे हम यहाँ पर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद ओनली शब्द से स्ट्रेस लगा सकते हैं। देखें रूल नंबर 8, ये है कि जब भी आपका डस शब्द आए, डस के तुरंत बाद क्या है आपका? ही सी इट या सिंगुलर नाउन, तब यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो? ओनली शब्द का स्ट्रेस। ये ओनली यहाँ पर क्या है? स्ट्रेस है। क्या है? स्ट्रेस है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्यों? क्योंकि जहाँ पर डज आए वहाँ पर कौन सी फॉर्म का यूज़ करते हैं? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने की ज़रूरत कब होती है? तो ध्यान से समझे, यहाँ पर मैंने यहाँ पर बोला सेंटेंस, क्या सिमरन चाय पीती है, और इस सेंटेंस को अगर आपको सब्जेक्ट के ऊपर जोर या दबाव डालते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े, तो सेंटेंस कैसे बोलेंगे आप? क्या सिमरन ही चाय पीती है? एक और एग्जांपल लेके देखें, क्या दिनेश ही कॉलेज जाता है? क्या दिनेश कॉलेज जाता है? ठीक है, लेकिन जब भी आपको सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगाते हुए हिंदी में इस तरह से सेंटेंस बोलना पड़े, क्या दिनेश ही कॉलेज जाता है, तो इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे फ्रेम करेंगे? तो इस तरह के सेंटेंस को आप इस फॉर्मूले से फ्रेम करेंगे। ध्यान दें यहाँ पर फॉर्मूले पे, डस ही सी इट सिंगुलर नाउन ओनली एम्बिफर्स प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, क्या सिमरन ही चाय पीती है? जब भी आपको ही वर्ड यहाँ पर बोलते हुए, अर्थात सब्जेक्ट के तुरंत बाद बोलते हुए स्ट्रेस लगाते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े, तब डेफिनेटली आपको वहाँ पर ओनली शब्द का स्ट्रेस यूज़ करना है। तो सेंटेंस क्या बनेगा यहाँ पर? डस सिमरन ओनली टेक टी। तो इस तरह से आप याद रखें कि डेफिनेटली अगर आपको जब भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद प्रश्नवाचक वाक्यों में दोहराते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े, तो आपको वहाँ पर ओनली शब्द का स्ट्रेस सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको वहाँ पर मार्क करना है, जिससे कि सेंटेंस में आप रिपीट करके सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 9 की। रूल नंबर 9 में हम बात करेंगे कैसे हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगाते हुए सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं इंट्रोगेटिव वाक्यों में। तो देखें यहाँ पर आप रूल नंबर 9,
रूल नंबर 9 ये है कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगाते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े तो कैसे आप सेंटेंस फ्रेम करेंगे। तो फॉर्मूला देखें यहाँ पर, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड ओनली एंड क्वेश्चन मार्क। ये ओनली यहाँ पर क्या आपका स्ट्रेस है। तो जब भी आपको प्रश्नवाचक वाक्यों के ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस लगाते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े तब आप वहाँ पर सेंटेंस में ओनली शब्द का स्ट्रेस ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा सकते हैं। क्यों ज़रूरत होती है तो एग्जांपल देखें यहाँ पर, क्या सिमरन चाय पीती है। तो इस सेंटेंस को चाहे तो हम इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि क्या सिमरन चाय ही पीती है। भी कभी आपको अगर केवल ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगा के बोलना पड़े, जैसे एग्जाम्पल मैं बोलूँ यहाँ पर, क्या दिनेश क्रिकेट ही खेलता है, क्या वह इंग्लिश ही बोलता है, क्या वह वहाँ ही जाता है। तो इस तरह से सेंटेंस में हमने सेंटेंस को बोलने की ज़रूरत पड़ी, सेंटेंस क्या बनेगा, क्या सिमरन चाय ही पीती है, सेंटेंस क्या बनेगा, डस सिमरन टेक टी ओनली। तो ओनली यहाँ पर क्या आपका स्ट्रेस है, टी क्या है, ऑब्जेक्ट टेक क्या है, एम वी फर्स्ट सिमरन क्या है, सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर नाउन एंड डज यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो क्या बना सेंटेंस, क्या सिमरन चाय ही पीती है, डज सिमरन टेक टी ओनली, ओनली शब्द यहाँ पर क्या है, स्ट्रेस है, याद रखें इसे एम्फेसाइज भी कहते हैं। एक और एग्जाम्पल लेके देखें यहाँ पर, क्या वह कॉलेज जाता है, क्या वह कॉलेज ही जाता है, सेंटेंस क्या बनेगा, डज ही गो टू कॉलेज ओनली। क्या वह क्रिकेट खेलता है, क्या वह क्रिकेट ही खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट ओनली। तो इस तरह से सेंटेंस में हम ओनली शब्द का स्ट्रेस ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 10 सेंटेंस की, जो है आपका इंटर और नेगेटिव का वाक्य है, और इंटर नेगेटिव वाक्य में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लगाया जाता है। तो ये हुई थी बात इंटरोगेटिव की। अब हम बात करेंगे इंटर और नेगेटिव की। इंटर नेगेटिव मतलब जब भी हमें प्रश्न करते हुए वाक्यों में नकारात्मक वर्ड को भी बोलने की जरूरत पड़े तो सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा। तो देखें यहाँ पर इंटरो नेगेटिव, इसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक। नंबर 10 फॉर्मूला देखें पहले आप यहाँ पर, डस प्लस ही सी इट सिंगुलर नाउन प्लस नॉट प्लस एम्बिफर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो याद रखें कि जब भी आपका डज वर्ड आए और नॉट जब भी यूज़ करना हो तब हमेशा इंटरनेगेटिव वाक्य हो चाहे नेगेटिव वाक्य हो। अगर आपको नॉट यूज़ करना है तो याद रखें नॉट हमेशा कहाँ पर यूज़ करना है, थर्ड नंबर पर। जैसे नेगेटिव वाक्य में हमने क्या यूज़ किया, पहले सब्जेक्ट फिर डज फिर नॉट, यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, डज फिर सब्जेक्ट फिर नॉट, अर्थात नॉट कौन से नंबर पर आएगा आपका, थर्ड नंबर पर। टेंसेस के अकॉर्डिंग आप याद रखें कि कहीं भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना माइंड में, क्योंकि यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब कम है लेकिन जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आगे टेंस पढ़ते जाओगे, वैसे वैसे हेल्पिंग वर्ब बढ़ती जाएगी और आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि नोट कहाँ पर यूज़ करें। तो याद रखें नोट कौन से नंबर पर यूज़ करेंगे आप, थर्ड नंबर पर। सेंटेंस क्या बनेगा इसका देखें यहाँ पर, क्या सिमरन चाय नहीं पीती है। तो इंग्लिश में क्या बनेगा सेंटेंस, डज सिमरन नॉट टेक टी। तो देखिए यहाँ पर नॉट कौन से नंबर पर यूज़ किया हमने, थर्ड नंबर पे, और इस सेंटेंस में ये डस क्या हेल्पिंग वर्ब सिमरन, सब्जेक्ट नॉट टेक फर्स्ट फॉर्म, टी यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है। तो इंटरनेगेटिव वाक्य में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लगाया जाता है। एक और एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, क्या रवि कॉलेज नहीं जाता है, डज रवि नॉट गो टू कॉलेज, क्या वह फल नहीं काटता है, Does he not cut the fruits? तो इस तरह से हम सेंटेंस में इंटरनेगेटिव वाक्यों का यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी अभी तक आपने पढ़ा है, आपने स्टार्टिंग में विथ मुस्लिम के पॉजिटिव में कितने सेंटेंस पढ़े, आपने 4, नेगेटिव में 1, इंटरनेगेटिव में अगेन आपने 4 सेंटेंस पढ़े और इंटरनेगेटिव में 1, अर्थात टोटल कितने सेंटेंस हो गए, 10। अर्थात जब आप 10 सेंटेंसेस को सीखोगे तभी जाके आप एक लैंग्वेज को परफेक्ट रूप से सीख पाओगे। और यदि आपको लैंग्वेज को परफेक्टली सीखना है तो डेफिनेटली आपको याद रखना होंगे इन 10 सेंटेंसेस के बारे में, और इन 10 सेंटेंस की प्रैक्टिस कैसे करनी है वो बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम जो भी हमने अभी सेंटेंस पढ़े उनको एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस था आपका, वह
चाय पीती है या फिर सिमरन चाय पीती है। सेंटेंस क्या बनेगा, सिमरन टेक्स टी। सेकंड सेंटेंस, पीती है चाय सिमरन, सिमरन डज टेक टी। थर्ड सेंटेंस, सिमरन ही चाय पीती है, सिमरन ओनली टेक्स टी। सिमरन चाय ही पीती है, सिमरन टेक्स टी ओनली। फिफ्थ सेंटेंस, सिमरन चाय नहीं पीती, ये नेगेटिव सेंटेंस है, सिमरन चाय नहीं पीती है, सिमरन डज नॉट टेक टी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या सिमरन चाय पीती है, डज सिमरन टेक टी। इंट्रोगेटिव का नंबर सेवन सेंटेंस, क्या पीती है चाय सिमरन, डज सिमरन डू टेक टी। क्या सिमरन ही चाय पीती है, डज सिमरन ओनली टेक टी। क्या सिमरन चाय ही पीती है, डज सिमरन टेक टी ओनली। क्या सिमरन चाय नहीं पीती है, आपका इंट्रोनेगेटिव वाक्य है, डज सिमरन नॉट टेक टी। तो इस तरह से हमने 10 सेंटेंस बनाना सीखा, और ये 10 सेंटेंस का नॉलेज अगर आपको होगा तभी जाके आप एक लैंग्वेज को परफेक्ट रूप से सीख पाएंगे। डेफिनेटली आपको अगर लैंग्वेज को परफेक्टली सीखना है तो आपको 10 ही सेंटेंस प्रैक्टिस करनी है विथ हिंदी विथ इंग्लिश। अगर आप हिंदी से प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी, और चीज़ों को आसान करना आपके हाथ में है। आप चाहें कि ये इजी हो तो डेफिनेटली आप इसे इजी तरीके से लर्न करने की कोशिश करें, लेकिन याद ये रखें कि जब तक आप ब्रीफली चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप चीज़ों को परफेक्टली नहीं सीख पाएंगे। और यदि आप परफेक्टली सीखना चाहते हैं तो पहली चीज़ की इन चीज़ों को जो भी अभी तक पढ़ाया आपको, उन फॉर्मूलों को आप नोट डाउन करें, एक नोटबुक बनाएं आप अपनी एक पर्सनल, उस नोटबुक में आप केवल इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ें ही रखें और टेंसेस को एक अलग तरीके से फ्रेम करें ताकि आपके टेंस क्लियर हो जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप सेंटेंसेस को घर पे बोलने की प्रैक्टिस करें ताकि आपका जो लैंग्वेज का पार्ट है वो क्लियर हो। एक एग्जांपल लेते हैं, रवि इंग्लिश बोलता है, रवि स्पीक्स इंग्लिश, बोलता है इंग्लिश रवि, रवि डज स्पीक इंग्लिश, रवि ही इंग्लिश बोलता है, रवि ओनली स्पीक्स इंग्लिश, रवि इंग्लिश ही बोलता है, रवि स्पीक्स इंग्लिश ओनली, रवि इंग्लिश नहीं बोलता है, रवि डज नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या रवि इंग्लिश बोलता है, डज रवि स्पीक इंग्लिश, क्या बोलता है रवि इंग्लिश, डज रवि डू स्पीक इंग्लिश, क्या रवि ही इंग्लिश बोलता है, डज रवि ओनली स्पीक इंग्लिश, क्या रवि इंग्लिश ही बोलता है, डज रवि स्पीक इंग्लिश ओनली, और क्या रवि इंग्लिश नहीं बोलता है, डज रवि नॉट स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से हम 10 सेंटेंस फ्रेम करके जितनी स्पीड हो उतनी स्पीड से बोलने की प्रैक्टिस करें। हाँ, मानता हूँ कि स्टार्टिंग में आपकी स्पीड नहीं बनेगी, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे जैसे आप इस ग्रामर के रूल्स को रिवाइज करते जाएंगे और जैसे आप नए वर्ड्स लेके सेंटेंस फ्रेम करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी लैंग्वेज परफेक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपको मैं 2 या 3 एग्जांपल देता हूँ, आप उनकी प्रैक्टिस करें और आप एक नोटबुक बनाएं अच्छे से और प्रैक्टिस करें, उसे नोट डाउन करें। तो एग्जांपल है, वह फल काटता है, ही कट्स फ्रूट। नेक्स्ट एग्जांपल है, शिवानी खाना पकाती है, शिवानी कुक्स फूड। वह गाना गाता है, ही सिंग्स ए सॉन्ग। तो इन सेंटेंसेस के आप नोट डाउन करें और इनके 10 सेंटेंस बनाएं, और आपको साथ साथ में फॉर्मूले भी लिखने हैं। आप लगभग 5 या 6 सेंटेंस की जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे, वैसे वैसे आपके जो इंग्लिश से सेंटेंस है वो बहुत ही ईजी हो जाएंगे। और जो ये इंग्लिश का पार्ट है प्रेजेंट टेंस, इंपॉर्टेंट पार्ट है, कीप इन योर माइंड। इफ़ यू डू इट प्रैक्टिस डेफिनेटली इट विल बी ईजी फॉर यू। अगर आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। एंड यू नीड टू डू इट प्रैक्टिस विथ फॉर्मूलाज एंड एज वेल एज आपको साथ साथ में आपको इनको बोलने की प्रैक्टिस भी करनी है। बिकॉज रीजन बिहाइंड इट, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से ही बोलना आता है। अगर आप इन सेंटेंस को बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, डे बाय डे आप स्पीकिंग करेंगे, तो डेफिनेटली आपके जो सेंटेंस है वो आपके स्पोकन में आने लग जाएंगे। तो डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस करनी है। रीजन बिहाइंड इट, विदाउट स्पीकिंग यू आर नॉट एबल टू स्पीक क्लियर इंग्लिश, सो यू नीड टू स्पीक इंग्लिश क्लियरली विथ योर फ्रेंड्स विथ योर फैमिली मेम्बर्स। और आज हमने केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस विथ मोशन के सिंगुलर पार्ट के 10 सेंटेंस बनाने सीखे, और साथ साथ हमने रूल्स भी सीखे, और हमने आज सीखा कि कैसे हम लैंग्वेज में 10 सेंटेंस फ्रेम करके लैंग्वेज को ईजी बना सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप रिपीट देखें। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको कहीं कन्फ्यूज़न है तो दोबारा वीडियो को देखें, डेफिनेटली आपका जो कन्फ्यूज़न है वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हमने जो भी पार्ट अभी तक पढ़ा वो हिंदी से इंग्लिश पढ़ा। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है और हिंदी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।